हाय दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, आपका भाई इस टाइम है मसूरी के अंदर। तो मैंने कहा मसूरी में आप सब होटल्स ढूंढते ही हो। आपने लास्ट हमारा वीडियो जो हम लास्ट ईयर आए थे उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो इस टाइम मैं हूँ होटल 7 Oak के बाहर। काफ़ी बढ़िया होटल है, आप देखो गाड़ी की पार्किंग वगैरह भी है। कैमल्स बैक रोड पर है, मसूरी की माल रोड से हार्डली 700-800 मीटर पीछे है, ये दूर है लेकिन बहुत बढ़िया है। फैसिलिटीज़ आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है, शांति वाली जगह है। देख रहे हो आप कितनी शांति है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। ये मसूरी के अंदर ही है, मतलब इतनी कमर्शियल जगह में इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी और कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, बजट कैटेगरी की प्रॉपर्टी है। आपको रूम्स दिखाते हैं, यहाँ के मैनेजर से बात करवाते हैं एंड देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या ये आपके लिए एक आइडियल डील होगी या नहीं। तो सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग में ही बताते हैं। बाकी चलो वीडियो चालू करें। सो ये देखो यार, ये गाड़ी हमारी पार्क हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्किंग है होटल 7 Oak। काफ़ी बढ़िया है यार, ये देखो रिसेप्शन एरिया ये रही एंड काफ़ी बढ़िया मतलब है यार। आप देखो, हेलो हेलो। सो स्टाफ भी काफ़ी बढ़िया, आप पीछे देखो इनको अवार्ड भी मिला हुआ है, 4 रेटिंग भाई साहब, गो आई बी बो है। सो दिस इज़ प्रिटी कूल यार, आप देखो जय गणेश जी। सो सही है यार, मतलब काफ़ी ऑफ बीट एंड ऑफ शोर जगह पे है। देखो शोर शराबा कुछ नहीं है। हेलो, ये यहाँ के मैनेजर जी हैं, नमस्कार। अभी आपसे बात करते हैं, आपका इंटरव्यू भी लेते हैं, ऑडियंस को बताते हैं। थैंक यू, आप यहाँ पे आकर रिसेप्शन के यहाँ पे बैठ भी सकते हो, चिल भी कर सकते हो। सो दोस्तों, मैं होटल 7 Oak के अंदर हूँ, काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है, कैमल्स बैक रोड पे मसूरी में। तो हमारे साथ हैं प्रॉपर्टी के मैनेजर साहब, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम रजिंदर सिंह है। सो वी आर द लीजर ऑफ दिस होटल। ओके तो ये होटल सर पिछले 4 साल से हम ही रन कर रहे हैं जराडाइस हॉस्पिटैलिटी के अंदर। ओके तो वी हैव 21 रूम्स इन आवर होटल, रेस्टोरेंट है नीचे। पार्टी वगैरह करने के लिए 50 to 60 पीपल्स की गैदरिंग का हमारे पास कॉमन एरिया है। वी हैव पार्किंग ऑल्सो एज वेल एंड लिफ्ट एज वेल। और यहाँ पे और कैटेगरी में सर 3 कैटेगरी है हमारे पास, जिसमें हमारे पास फैमिली रूम है, नॉन व्यू रूम है, स्टैंडर्ड रूम्स है, बैल्कनी रूम है एंड डिलक्स रूम्स है सर। वाह, क्या बात है यार, मतलब आप देखो आपको मतलब इस प्रॉपर्टी में आ रहे हो तो काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, चॉइस भी मिल जाएगा। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो ग्रुप में आप सारे पार्टी वगैरह भी कर सकते हो, जैसे भैया ने हमें बताया। तो मेरे को एक बात बताओ, इसकी प्राइसिंग क्या है अगर हमारे व्यूअर्स यहाँ पे आएँ? सर हमारे पास 3000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है हमारी जो बेसिक कैटेगरी है। और आप में उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का जो भी ऑप्शन लेना चाहें, एम ए पी वाह, है, ए पी है, या आप सी पी, जो भी ऑप्शन लेना चाहें सब अवेलेबल हो जाएगा सर। वाह यार, ये भी बहुत सही है यार, 3000 रुपये में मतलब मसूरी में इतनी क्वाइट एंड एकांत वाली जगह जहाँ पे पार्टी वार्टी भी कर सकते हो 3000 में। मतलब अब भैया कुछ चैनल का रिकॉर्ड भी दोगे कि नहीं दोगे हमारे नहीं नहीं व्यूअर्स नहीं को? बिल्कुल हाँ सर, आपके व्यूअर्स जो आएंगे, जो आपका वीडियो से लाइक, शेयर जो भी करके आएंगे जी, आपकी वीडियो देख के, उनको जो भी बेस्ट होगा डेफिनेटली वी विल डू दैट। चलो भाई, आपको एडेड डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड भैया कह रहे हैं एक मील भी फ्री है, तो और क्या चाहिए यार। बाकी चलो आप चलते हैं, रूम्स वगैरह देखते हैं, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में। एंड फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए मसूरी में बहुत अमेजिंग अमेजिंग प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ये हम लिफ्ट के अंदर आ गए हैं प्रॉपर्टी की, हम जा रहे हैं नीचे माँ बेटा। सो सही लग रही है, इट इज अ डिसेंट प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी, सिंपल, नाइस एंड अभी तक जो है सिनेटिक बहुत अच्छी लगी, मतलब प्राइस वाइज और यू नो लोकेशन वाइज इट्स रियली गुड। थोड़ा सा यू नो मॉल रोड से दूर है, माल रोड से, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप गाड़ी वाड़ी में आ रहे हो, अपनी व्हीकल में आ रहे हो, तो आपको ये सही लगेगी जगह, क्योंकि पार्किंग का ना बड़ा चक्कर है मसूरी में। सो नीचे चलो, अब आपको रूम दिखाते हैं यहाँ का। सर ये इनका पैसेज एरिया, ये भी काफ़ी बढ़िया है, आप देखो पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है, इट्स डिसेंट। रूम्स भी साथ साथ हैं, मतलब अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो साथ साथ रूम्स भी ले सकते हो, बढ़िया है। आपको लेकर चलें यहाँ के रूम के अंदर, वाह काफ़ी बढ़िया स्पेशियस रूम है। घुसते हो आपको ये अलमीरा मिल जाती है, सही है यार, यहाँ पे आपको ब्लैंकेट वगैरह मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे ठंड काफ़ी पड़ती है ना। यहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, स्मार्ट लड़का मैं ही हूँ। एंड उसके बाद आपको केटल वगैरह, ग्लासेस वगैरह, टी बैग्स वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे। नीचे आप सामान अपना रख सकते हो। ये देखो यहाँ का बेड काफ़ी बड़ा, देयर इज़ अ ह्यूज किंग साइज़ बेड। सो सही है यार, ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। यहाँ पे आपको सोफ़ाज रखे हुए हैं इन्होंने कि आप बैठ सकते हो, बातें बूतें कर सकते हो। पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, फ़ोन लगा हुआ है, इन रूम डाइनिंग है, कॉल कर सकते हो। पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पे और भी हैं, तो सही है यार। एंड एक टीवी भी लगा हुआ है। तो यार ये यहाँ का वॉशरूम है, वॉशरूम भी प्रिटी नीट एंड क्लीन है, बेसिक बेसिक टॉयलेटरीज आपको मिल जाती हैं, गीज़र वगैरह लगा हुआ है, तो सही है यार, इट इज़ प्रिटी कूल। अब आपको दिखाते हैं बेस्ट चीज़ इस रूम की, मैंने थोड़ा डायनामिक चेंज कर दिया, पर्दे वर्दे खुल गए हैं, आपको लेकर चलें बाहर। सो जी ये लो,
गेट रेडी टू सी मैजिक. व्हाट अ व्यू भाई, व्हाट अ प्लेस भाई, दिस इज सुपर्ब यार. सही है ना व्यू? वेरी नाइस प्लेस, बहुत ही सुंदर जगह है. बालकनी से तो जो व्यू है ना वो भी बहुत ही शानदार है यार, इट्स अमेजिंग. एंड ये देखो ये कौन से मम्मी, ये कौन से फ्रूट्स हैं? ये अखरोट के पेड़ हैं. अखरोट है ये? अखरोट लगे हुए हैं. वाह यार ये देखो अखरोट भी कैसे लग रहे हैं यहाँ से. वाह दिस इज़ नाइस. भैया यहाँ रुक गए हैं बालकनी में, हम खड़े हैं मस्त चिल करने वाले हैं. चेयर्स पीछे लगी हुई हैं, दोनों माँ बेटा बैठेंगे आराम से बातें बूतें करेंगे. सो दिस इज़ कूल यार, अच्छी प्रॉपर्टी है बजट कैटेगरी में. डिटॉक्स होने के लिए इससे बेटर जगह नहीं मिलेगी. तो पूजा मैम के साथ हम जा रहे हैं, पूजा जी हमें लेके जा रही हैं नीचे. अब जाते हैं रेस्टोरेंट देख के आते हैं. हम जा रहे हैं पूजा जी के साथ इनके ब्रेकफास्ट एंड लंच वाले एरिया में. ये देखो यार बाहर ओपन स्पेस भी है, वाओ बैठ सकते हो नेचर के साथ इंजॉय कर सकते हो. ओ वाओ यार बहुत ही सुंदर इनका रेस्टोरेंट है आप देखो. वाह हल्की हल्की बारिश हो रही है, वैसे जब बारिश ना हो तो यहाँ पे बाहर बैठ के आप अपना मील वगैरह इंजॉय कर सकते हो. सो दिस इज़ प्रिटी कूल यार. एंड ये देखो रूम्स कुछ ऐसे लग रहे हैं. यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है नो अल्कोहल अलाउड, तो मतलब अगर आप में से कोई ड्रिंक करता है तो आई थिंक रूम के अंदर कर सकते हो, बाहर शायद नहीं कर सकते. रेस्टोरेंट के रेस्टोरेंट देखो काफ़ी बढ़िया यार. वाह रेस्टोरेंट भी मतलब ब्लैक एंड वाइट सीट्स इन्होंने बनाई हुई हैं, तो ये इनका बुफे एरिया है आप ले सकते हो जैसे इन्होंने बताया. सो सही है, स्क्रीन वगैरह लगी है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें सुबह आपको खाने पीने के लिए मिल जाएंगी. सो इट्स प्रिटी नाइस यार एंड प्रिटी कूल. सही है बट मेरे को बाहर वाली जगह बहुत फैंसी एंड अच्छी लगी. पूजा जी ने बताया दिस इज़ द कॉमन एरिया, आप यहाँ पे खड़े हो सकते हो, चिल कर सकते हो, बैठ सकते हो. ये चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी यार, ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे चेयर्स हैं बैठो. अगर आप एक बड़े ग्रुप के साथ आ रहे हो तो पूरा ग्रुप यहाँ पे अकोमोडेट हो सकता है, चिल कर सकता है. बाकी अगर आप फ्रेंडली हो, थोड़ा फ्रेंड्स बनाना आपको पसंद है, तो यहाँ पे और भी लोगों के साथ बैठ सकते हो, शाम को चिल कर सकते हो. अभी तो बारिश हो रही है इसलिए लोग बाहर नहीं है भाई. इट्स नाइस, मेरे को तो बढ़िया लगी यार ये प्रॉपर्टी. सो दोस्तों आई होप आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी लगी है, काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है. अगर आप में से कोई डेस्टिनेशन वेडिंग भी कर रहा है तो हमें भी इन्वाइट करना एंड इस प्रॉपर्टी को भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज सारे रूम्स आप ले सकते हो, फैमिली का नीचे फंक्शन भी कर सकते हो, गेट टुगेदर भी हो सकता है, तो काफ़ी सही है. ओवरऑल मेरे को सही लगी प्रॉपर्टी, वैल्यू फॉर मनी. मैंने कहा थोड़ा स्टाइल भी तो मारा जाए व्लॉग में, वैल्यू फॉर मनी है, सही है यार आप रुक सकते हो. तो बस इसका एक ही वो है कि थोड़ा सा दूर है, लेकिन दूर है, एकांत है, शांति है. यहाँ से आप जा सकते हो, आपको गाड़ी वाड़ी मिल जाती है नीचे जाने के लिए, स्कूटी वगैरह रेंट वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे मिल जाएगी, तो सही है. ओवरऑल प्रॉपर्टी काफ़ी बढ़िया है. तो चलो दोस्तों मिलते हैं जल्दी से आपको अगले व्लॉग में, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट बहुत अमेजिंग चीज़ मसूरी के अंदर. यार ब्रिटिशर्स ने काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें वैसे इंडिया में छोड़ी हैं. हम जैसे गए थे दार्जिलिंग में, वहाँ पे कवेंडिस था जहाँ से ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था. एंड यहाँ पे भी देखो मतलब जितने भी हिल स्टेशंस हैं ना सारे ब्रिटिशर्स ने ही इतने बढ़िया डेवलप करे हुए हैं. उनका भी मतलब लाइफस्टाइल काफ़ी कूल ही रहता होगा, कोई चिल करने के लिए ऐसी बढ़िया प्लेस पहाड़ों पहाड़ों में, मतलब डिटॉक्स करने के लिए. एंड कितनी फिर भी मॉडर्नाइज कर दिया यार. अगर ये 1945 में खुला है तो मैं ये सोच रहा हूँ मेरे दादा पर दादा के टाइम पर, मतलब वो तो यहाँ पर बहुत इन्जॉय करते होंगे. उन्होंने व्लॉग नहीं बनाया मैंने बनाया आप सबके लिए.